31 दिसंबर की रात को अपने भारत में कई मूढ़ लोग, हिंदुस्तानी, कई मूर्ख लोग रात को जश्न मनाते हैं, पार्टी देते हैं। क्यों? कि एक साल पूरा हुआ ये, अब नया साल शुरू हो रहा है। और 1 जनवरी को SMS करते हैं, मैसेज फोन से या कैसे भी देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। समझो वो हिंदू नहीं है, मूढ़ है, ईसाई धर्म स्वीकार किया है ऐसा लगता है। 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर। मैंने आज देखा पंचांग, आज अभी की बात बता रहा हूं। सृष्टि जब उत्पन्न हुई तब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर थे, इसीलिए अपने सनातन धर्म में चैत्र मास का प्रथम दिन वो नूतन वर्ष के रूप में माना जाता है। हम ईसाई नहीं है जो 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर करें, भूल जाना। कोई आपको करे तो आप उसको भी अक्कल देना। कोई आपको फोन करे हैप्पी न्यू ईयर तो बोलना तुमने धर्म कब से बदल दिया, तुम कब से ईसाई हो गए। आने वाले साल को भी मैंने पंचांग में देखा, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर होगा, इसलिए चैत्र मास का प्रथम दिन वो नूतन वर्ष माना जाता है। कहीं कहीं अपने ग्रंथों में दीपावली का दूसरा दिन भी नूतन वर्ष माना जाता है, महाभारत आदि ग्रंथों में। तो अपने शास्त्रों के अनुसार अपन नूतन वर्ष मनाए। बाकी 1 जनवरी को बोले हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ये ना समझो की बात है, पुरानी आदत।